ओ नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। बंधु जैसे कि आप विषय पढ़कर आए हैं कि आज का विषय है कि कैसे शादी की जाए, विवाह किया जाए। यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, किसी ना किसी वजह से बाधा आ रही है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या फिर आपका प्रेम विवाह हो, बाधा आ रही है शादी में, तो आप हम कुछ उपाय बताएंगे। आप उनमें से कम दो उपाय अवश्य करें, कोई जो आपको सहूलियत से कर सके। हमने पहले से लिख के रखा है ताकि समय ज़्यादा ना लगे। देखिए, पहले में हमने बताया है आपको, आपको एक हफ्ता रोज सुबह तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना है, और आपको जब आप दीपक जलाएंगे तो वहां बैठ के आपको 5 बार यह मंत्र पढ़ना है। मंत्र है, तब जनक पाए वशिष्ठ आयुषु ब्याह साजी सवारी के। इसे चौपाई भी कहते हैं, आप देख सकते हैं, लिख लीजिए आप चाहें तो। फिर आपको दूसरा उपाय हम बताते हैं। दूसरा उपाय है, आपको हर दिन, यदि आप हर दिन नहीं कर सकेंगे तो मंगलवार को तो करिए जरूर, कीड़े मकोड़ों को चीनी, तिल वह चावल खिलाया करें। और याद रखिएगा कि ये क्रम ना टूटे, मतलब कि यदि आपने रोज का ठान लिया है तो रोज खिलाएं, यदि मंगलवार का ठान लिया है तो मंगलवार को ही करें। बहुत ही जल्दी आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। तीसरा उपाय, तीसरा उपाय है कि कच्चा दूध व जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, और जब भी आप शिवलिंग पर अर्पित किया करें तो ओम नमः शिवाय का जाप किया करें। और इसमें एक बात बता दें आपको कि यह आपको रोज कर सकें तो रोज करिए, वरना आप इसको भी मंगलवार को या सोमवार को अवश्य करें, इस वाले उपाय को भी। और याद रखिए, कच्चे दूध में ही जल मिलाना है। चौथा उपाय, यदि आप मांगलिक हो तो आपको लहसुन की फली लेनी है, मतलब लहसुन का एक टुकड़ा, उसको आपको एक मंत्र से अभिमंत्रित करना है। मंत्र है, ओम अगार काय नमः। इससे आपको अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित कब करेंगे? जब आप इसको 51 बार जपेंगे सामने रखकर, तो वो अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर जब आप उसको अभिमंत्रित कर लेंगे तो आपको उस फली को, लहसुन की फली को कलावे में पिरोकर अपनी कमर पर बांधना है। कमर पे बांध लीजिए आप, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आपकी कोई बाधा आ रखी है तो लहसुन अपना काम करके दिखाएगी और आपकी शादी अवश्य जल्दी होगी। अगला उपाय, आपको गुरुवार को केले लेने हैं 7, और 700 ग्राम गुड़ लेना है, और एक जटा वाला नारियल लेना है। उसको आपको हाथ में लेकर नहाना है। यदि आपके आसपास नदी है तो नदी में नहाइए, वरना आप घर पे भी स्नान कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा ये तीनों चीजें आपको हाथ में लेकर नहाना है। आप चाहे वस्त्र पहन के भी नहा सकते हैं, कपड़े पहन के नहा सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, ये जो केले हैं ये आपको गाय को खिलाने हैं, और जो गुड़ और नारियल बच जाएगा ये आपको किसी भी मंदिर में जाके अर्पित करके आना है, चढ़ाकर आ जाना है, घर लेकर नहीं आना है कोई भी सामान। तो बंधु ये भी बड़ा ही आसान और अच्छा उपाय है, आप करके देखिए। बहुत लोगों को इन उपायों से लाभ मिला है। कभी कुछ उपाय और हैं जो हम आपको बता दें। सीताराम जी की जो मूर्ति होती है, यदि मूर्ति नहीं आपके पास तो तस्वीर लें और उसके सामने ये चौपाय 11 दिनों तक जपा करें। ये देखिए चौपाय, जो चौपाई है वो है, सुनी सी ये सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तिहारी। या आप लिख लीजिए कहीं पे, ये कितने दिनों तक करना है आपको, 11 दिनों तक। 11 दिनों के बाद आपको ऐसा चमत्कार दिखेगा इसमें शादी के लिए कि बहुत ही गजब चमत्कार दिखेगा आपको। जल्द से जल्द जो आपके बाधा आ रखी है वो जल्द से जल्द हट जाएगी। अगला उपाय, जो आखिरी उपाय हम बताना चाहेंगे इस विषय पर, वह है पानी और हल्दी। पानी में एक चुटकी हल्दी मिलानी है बस आपको, और उससे नहाना है। और फिर आपको केले के पेड़ पर
जाना है, पूजा करनी है और वहां पर कुछ दाने चने की दाल के वहां पर रखकर आने हैं घर वापस। पानी में हल्दी से नहाइए और फिर केले का पेड़ जो है उसके आगे पूजा करिए और वहां पे चने की दाल चढ़ाकर आइएगा। और ये आपको कब करना है, ये भी आपको सोमवार करना है। तो बंधुओं, ये हमने उपाय बताए हैं आपको, आप इनमें से अपनी इच्छा अनुसार जो हमने बताया है कोई से भी उपाय करिए जो आपको सही लगे आपके अनुसार। और ये सारे के सारे कारगर हैं, आप इनमें से कोई सा भी उपाय करिए मगर दो अवश्य करिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। बंधुओं, आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। और धन्यवाद।